गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5A. इन क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन शोन बाय द शेडेड पार्ट एंड कंपेयर यूजिंग ग्रेटर स्मॉल और इक्वल. ओके, आपको यहाँ पर फ्रैक्शंस बताने हैं और उसके बाद क्या करना है, ग्रेटर स्मॉल और इक्वल ये है हमें बताना है. सो इन क्वेश्चन नंबर ए यहाँ बताना है कि इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा. यहाँ पे फर्स्ट वाले फिगर का देखिए, ये पूरा वन सर्कल है. इसमें कितने पार्ट्स किए गए हैं, टू पार्ट्स किए गए, जिसमें से एक पार्ट्स को क्या किया गया है, कलर किया गया है. सो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसको हम नीचे रखते हैं और जिसमें से कलर किया गया उसमें से एक कलर किया गया है वो हम ऊपर रखेंगे. ओके, दैट मीन्स न्यूमरेटर 1 होगा और डिनोमिनेटर 2 होंगे. इसी तरह से हमें यहाँ पे बताना है कि इस सर्कल में कितने पार्ट्स किए गए हैं, 1, 2, 3, 4. तो 4 हमने नीचे लिख दिया, मतलब उसे डिनोमिनेटर लिखा है. उसके बाद कलर पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, मतलब 4 में से 3 पार्ट्स कलर है. अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है. तो आप देखिए यहाँ फिगर को ही देखिए कि कौन सा भाग ज़्यादा कलर किया हुआ है. ये देखिए, इसमें सिर्फ यहाँ पे इतना भाग बचा हुआ है, इसमें पूरा हाफ बचा है, तो मतलब इसमें से बड़ा कौन सा होगा, 3/4. तो ये हमारा ग्रेटर हो गया है. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कितने पार्ट्स है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. इसमें 8 पार्ट्स किए गए हैं. इसमें से कलर कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, और इसमें 1, 2 पार्ट्स किए गए हैं जिसमें से कलर कितने हैं, 1. सो अब आप देखिए इसमें जो कलर्ड पार्ट है वो अगर हम देखें तो ये वाला अगर हम यहाँ कर दें तो सिर्फ इतना अनकलर्ड है, बाकी का पूरा कलर्ड है. तो मतलब इसमें हमें बताना है कि ग्रेटर क्या हो गया, 5/8. ओके, ये हमारा ग्रेटर हो गया. इसी तरह से आपको यहाँ पर जो रिमेनिंग है ये आपको खुद से करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. इसमें हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है मतलब कैसे, दोनों की जो है वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए और कितने फाइंड करना है, 2. तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरह से 2 फाइंड करना है हमें. तो इसको क्या करेंगे, ऊपर में 6 है तो हम सबसे पहले 6 की टेबल आगे कंटिन्यू कर देंगे. 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18. ओके, इसी तरह से हम 15 का करेंगे. 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45. अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर 6/15 ही आएगा. इक्विवेलेंट का मतलब यह होता है बराबर, ठीक है, जिसे हम आगे सिंप्लीफाई करें तो आंसर वही आए. क्लियर स्टूडेंट्स, सो इसी तरह से आपको ये रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी करना है. ओके क्लास, थैंक यू.